फ्रेंड सिल्वर पिजेंट, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा, कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताइएगा। ये थोड़ा दूसरे टाइप का है, सबको अलग अलग बैरिकेडिंग में डाला गया है। मित्रता काफ़ी है दोनों, अब बात करेंगे। है फ्रेंड्स एमू, बहुत ही खूबसूरत, देखिए इसका पंख कितना शानदार है, और मेरा कैमरा देखते ही ये आगे की ओर बढ़ गया है। देखिए देखिए, मेरे लिए स्पेशल आया है, ये देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत यह दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। देखिए सब मेरे पास दौड़े दौड़े आ गए हैं, तो आप भी दौड़े दौड़े सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 5 फीट हाइट, 50 किलोग्राम वजन है यह एमू, और मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ इधर आए हुए हैं ये लोग। अभी इधर से आनंद उठाया जाए, देखिए कुछ खाते हुए, बगल से खींचे, बहुत ही खूबसूरत भी है। वजन करते हुए ऑस्ट्रिच आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या बात है, बहुत ही आनंदमय जीवन व्यतीत करते हुए यह पटना के जू में। अच्छा लग रहा है आपको नहीं। तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा, शेयर करना तो भूलिएगा ही नहीं, सब्सक्राइब भी। तो बहुत अच्छा यह दृश्य आपको देखने को मिला, देख सकते हैं इतना प्यारा प्यारा शुतुरमुर्ग है, और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग सकता है। साइंटिफिक नाम स्टूडियो कैलमिस से। तो आप इसको पाउज करके विशेष इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों टाइगर, जूम कर देते हैं तब ना दिखाई देगा, ये देखिए, वाह, पूरा धूप का आनंद लेते हुए। अभी तो सन पूरा प्रकाश दे रहा है, और बाघ टाइगर पूरे लुफ्त में, देखिए क्या पंजा है और क्या चाल, मतवाली चाल चलते हैं। इसी तरह आप भी रोज़ाना योगासन करें, मॉर्निंग वॉक करें, सेहतमंद रहिएगा, काफ़ी अच्छा है। वाह वाह, ये है बंगाली टाइगर, पूरे आराम फरमाते हुए उधर कॉर्नर में जो है, एकदम ध्यान से देखिएगा तो दिखेगा। और ये तो पूरा भोजन कर लिया है, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए दौड़ रहा है। ये बाघ है, बिल्ली परिवार का सबसे बड़ा सदस्य। बाघ का वजन 300 किलो और लंबाई 10 फुट हो सकती है। विशेष जानकारी पाउच करके आप पढ़ सकते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर, कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर, और घूमने आइएगा संजय बोटनिकल, संजय गांधी बोटनिकल गार्डन पटना। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? वाओ, कितना खूबसूरत है ये, देखिए बहुत ही बेहतरीन। कितना खूबसूरत, सबको दिख रहा है, ये है स्लोथ बियर। स्लोथ बियर को भालू कहते हैं, और इधर सिर्फ बियर है, ये भी भालू ही है, ये भालू का प्रजाति है। देखिए टहलते हुए, एक धूप का आनंद ले रहा है और दूसरा धूप की ओर बढ़ रहा है। ठंड का मौसम है तो धूप का आनंद मनुष्य हो या जानवर, दोनों को लेना चाहिए, ताकि विटामिन डी दोनों की ज़रूरत है। दर्शकों के लिए ये गेट बंद है ताकि वो अंदर ना जा सके, तो आप भी आइए और घूमिए, आनंद उठाइए जीवन का। फ्रेंड्स एलिफेंट का रहने का घर वो देखिए कॉर्नर में, और ये जो शेड है, बारिश के मौसम में हाथी जो है एलिफेंट बाहर रह सके,
जिसके चलते यहाँ पे शेड दे दिया गया है और काफ़ी खूबसूरत वहाँ दो एलिफेंट आपको नज़र आ रही होंगी। एलिफेंट अभी जो है वो पुआल खाते हुए आप नज़र देख सकते हैं, तेज नज़र होगा तभी आपको दिखाई देगा। तो अपने नज़र को तेज करने के लिए हर एक रोज या वीक में एक दो बार पालक का सेवन जरूर करें। एक पूर्ण विकसित मादा हाथी का वजन 240 किलोग्राम होता है। विशेष जानकारी के लिए आप यहां पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए हाथी किनारे में पानी पीते हुए आपको नज़र आ रही होगी। देखिए किस तरह से एलिफेंट पानी पीते हैं। वाव, इट्स ट्रू वीडियो फॉर वाचिंग। जरूर देखें, एक पुआल खा रही है और एक पानी पी रही है। देखिए किस तरह से पानी पिएगी, ये देखिए दोस्तों, जरूर देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए सूंड में पानी भर ली है, अब पिएगी। वाह, दूसरी हाथी भी उधर चल पड़ी है पानी पीने। पुआल खाने के बाद प्यास तो लगेगा ही, क्योंकि पुआल सूखा होता है। तो देखिए किस तरह से पानी पी रही है हाथी। दोनों हाथी अब आपस में एक ही जगह पहुंच गए हैं। दोनों हाथी के पैरों में बंधे हुए हैं जंजीर, लोहे का पैकड़। और ये देखिए देखिए पानी पी रही है। देखिए किस तरह से पानी पी रही है, पानी पी रही है। देखिए तो कैसा लगा आपको, जरूर बताइएगा। तो देखिए ये नाग देवता बहुत दयालु किस्म के हैं, इन्होंने इस मुर्गी का जान बख्श दिया। बहुत ही दुर्लभ यह ये कोबरा जो कि काफी दयालु किस्म के हैं। तो कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर। ये रहा चिंपांजी, बहुत ही खूबसूरत, आप देख सकते हैं पूरा मनोरंजन करते। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या स्टाइल में बैठा है। आप ये नज़ारा लुत्फ़ उठा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका लोकप्रिय चैनल GRS। नीचे में है देखिए, वाह अद्भुत नज़ारा यह आप देख सकते हैं। दोनों एक ही साथ घूमते हुए कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा यह अद्भुत नज़ारा। आज मैं आपको ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बताने वाला हूँ। आया हूँ बोटनिकल गार्डन पटना, संजय गांधी बोटनिकल गार्डन नाम है इसका। घूमेंगे फ्रेंड्स जल उद्यान, जो कि काफी खूबसूरत बनाया गया है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या है इसमें। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ कमल के फूल खिले हुए हैं। अलग अलग लोग अलग अलग स्टाइल से सेल्फी ले रहे हैं। देखिए काफी खूबसूरत है और बहुत बेहतरीन ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। देखिए पास में ही ये झरना है, ये झरना काफ़ी खूबसूरत देख सकते हैं आप। अब हम लोग इस पे चलेंगे धीरे धीरे। देखिए देखिए और इधर देखिए, इस पे चलना काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए देखिए काफ़ी खूबसूरत यह दृश्य। कमल का फूल लगभग 3 से 4 फीट ये गहरा है डेप्थ इसका। और ये देखिए कमल का फूल,
और ये झरना तो काफ़ी खूबसूरत नज़र आने वाला। इस पे चलने का कुछ बात ही अलग है, देखिए किस तरह से आप आ सकते हैं। झरना किनारे में ये गेंदे का फूल और ये सब लगाए गए हैं, तो कैसा लगा आपको ये खूबसूरत नज़ारा ज़रूर बताइएगा। देखिए बेहतरीन यह दृश्य, अलग अलग पोज में सब, नीम का पेड़ ऊपर में, और यहाँ से आप जी एंड सेल्फी ले सकते हैं। और अब हम लोग इससे एग्जिट कर रहे हैं। देखिए तो कैसा लगा आपको यह जल उद्यान, ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स हम लोग बोटनिकल गार्डन पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान को अब एग्जिट करने वाले हैं। काफ़ी खूबसूरत यह दृश्य आप देख सकते हैं, अभी प्यारा प्यारा फूल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए बहुत ही बेहतरीन दृश्य देख सकते हैं आप, कितना प्यारा सा है। और यहाँ पे देखिए ये हाथी कितना खूबसूरत, और यहाँ लिखा हुआ है वेलकम, देख सकते हैं आप। देखिए तो ये रहा, थैंक्स विजिट अगेन, आइए कभी दोबारा। इधर भी बहुत प्यारे प्यारे फूल से सजाए गए हैं, जैसे ही आप इंट्री करेंगे तो ये नज़ारा आपको देखने को मिलने वाला है, देख सकते हैं। और ये हम लोग अब एग्जिट कर रहे हैं। देखिए ये बाहर का दृश्य है। देखिए ये रहा टिकट काउंटर, अगर आप चाहें तो HDFC से ऑनलाइन www.upatna.com पर जाकर ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। तो ये रहा पटना जू, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार, काफ़ी ही भव्य यह द्वार आपका स्वागत कर रहा है। जब भी आप फ्री हो तो यहाँ पर आइए, यहाँ आइसक्रीम और ये बड़ा वाला सामने में आपको लीची बंटी फास्ट फूड और लिट्टी चोखा का दुकान भी मिल जाएगा। पार्किंग का सुविधा काफ़ी अच्छा है यहाँ। देखिए यहाँ पॉपकॉर्न, आइसक्रीम, बलून सब कुछ यहाँ मिलते हैं, देख सकते हैं। और बच्चों का खिलौना, और थोड़े दूर पे पटना का राजवंशी नगर हनुमान मंदिर आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ नन्हे मुन्ने छोटे मोटे टैडी बियर भी आपको देखने को मिल। तो 9 वर्ष में आइए क्रिसमस के लिए ये सांता क्लॉज भी खरीद सकते हैं आप। देखिए प्यारे प्यारे तोता, ये हवा मिठाई आप खा सकते हैं, छोटे बच्चे को खिला सकते हैं। तो कैसा रहा ये पटना जू का ये खूबसूरत ब्लॉग, आप ज़रूर बताइएगा।